जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो फाइनली आप लोगों का SSC CHSL 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस भर्ती की पूरी डिटेल्स को हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। 12th पास जो वैकेंसी SSC CGL में आई है, इसकी पूरी डिटेल्स को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्म है आप लोगों के 1 फरवरी से जो है आप लोगों के शुरू हो चुके हैं, और आपका 7 मार्च 2022 तक इसके फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट आप याद रखिएगा। फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। इस भर्ती की पूरी डिटेल्स को हम समझते हैं आसान भाषा में। चलिए, वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। SSC CHSL, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, ठीक है, एग्जामिनेशन जो का लेवल जो रहता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आप लोगों का SSC कंडक्ट कराएगा, ठीक है। SSC CHSL 2021 के नाम से एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड नोटिफिकेशन है, ठीक है। अगर पोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का LDC और DEO की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, ठीक। वैकेंसी कितनी क्या है उसको हम देखते हैं आगे। आगे की बात करते हैं यहाँ पर सैलरी, ठीक है। सैलरी आप लोगों की वैकेंसी की पोस्ट वाइज रहती है, इसको भी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। अब देखिए, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आप लोग जानते होंगे, और लास्ट डेट आप याद रखिएगा 7 मार्च तक ये रहने वाला है। ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना होगा। चलिए, यहाँ पर आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पर हमने देख लिया है। देखिए, अगर हम आवेदन फीस की बात करते हैं तो 100 रुपये यहाँ पर OBC और जनरल को, बाकी अदर कैटेगरी वालों को यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है, ठीक है। आगे की डिटेल्स देखते हैं। आयु एज लिमिट जो रहेगी आपकी 18 से 27 साल रहेगी, और 1/1/2022 से आपकी एज मापी जाएगी। OBC को आप लोगों को पता है, OBC को आपको 3 साल की, ST SC को आपकी 5 साल की छूट पर रहती है ना। अब देखिए, पोस्ट जो वैकेंसी आई हुई है 2 टाइप की रहेगी, ठीक है। इसमें LDC की रहेगी, JSA, ठीक है, PA SA, DEO, ठीक है, ये आप लोगों का रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर एक्सपेक्ट जो है DOA इन जो है CNAG में भी यहाँ पर ये पोस्ट रहेगी, ठीक है, संभावित यहाँ पर बोली है। वैकेंसी की डिटेल्स अपडेट नहीं है, है ना। क्वालिफिकेशन इसके लिए 10वीं पास होना चाहिए किसी भी विषय में, ठीक है। DEO इन जो है CAG के लिए यहाँ पर जो रहेगी आप लोगों का 12th पास विथ साइंस एंड मैथ्स में आपका होना चाहिए, ये यहाँ पर ये जानकारी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें आप लोगों का पहले Tier 1 एग्ज़ाम होगा, उसके बाद Tier 2 होगा, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है। तीसरा जो रहता है पोस्ट अकॉर्डिंग Tier 3 होता है, जो कि CPT टाइपिंग जो है टेस्ट होता है, CPCT का आप लोग जो करते हो, है ना। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, ये 5 स्टेप्स रहते हैं, है ना। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। आगे की देखिए, जो CGL 1 का एग्ज़ाम पैटर्न वो रहता है क्या रहता है, देखिए नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 की यहाँ पर रहेगी, ठीक है। जो समय मिलेगा आप लोगों को 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है, और ये आप लोगों की CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाली है। ये कुछ इस तरीके का सिलेबस रहेगा आप लोगों का। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग 25 नंबर, 50 नंबर की, ठीक है, 25 क्वेश्चन रहेंगे। GK GS जो रहेगा, GA और GK जो आप लोगों का अवेयरनेस है, ये आप लोगों का 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, ठीक है। एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहता है SSC CGL में, CHSL में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो ये आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर। जो इंग्लिश जो रहेगा, बेसिक लैंग्वेज आपकी रहेगी इंग्लिश, इसमें 25 क्वेश्चन 50, यानी 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा 100 अंकों का, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके 200 नंबर के लिए। आगे की डिटेल्स देखते हैं। देखिए, जो आप लोगों का CGL Tier 2 होगा, इसमें आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो टाइपिंग रहता है, ठीक है, या 200 से 250 वर्ड, ठीक है, पर लेटर, है ना, यहाँ पर आप लोगों का, और ये आप लोगों का 150 से लेकर 200 वर्ड, है ना, ये आप लोगों का रहेगा Tier 2 के लिए क्वालिफाइंग। और 33% आप लोगों को जो है नंबर इसमें लाने होते हैं, ठीक है। तो बाकी Tier 2 के सिलेबस को और Tier 1 के सिलेबस के ऊपर मैं आप लोगों को डिटेल्स वीडियो जल्द देने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे की जो पोस्ट डिटेल्स है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, SSC 2021-22 CGL हो, CHSL हो, इसके लिए बैच स्टार्ट हो चुकी है बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पूरी तैयारी जो है SSC CGL हो, CHSL हो, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं घर बैठे बायजूस एग्ज़ाम प्रेप ऐप से। और इसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा, मेरा कोड है सुपर्स 10 करके, है ना, सुपर्स 10 कोड है, इसमें आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक चीज़ अच्छी, अगर आप यहाँ से जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते तैयारी करने के बाद, तो आपकी फीस जो है वो रिफंड कर दी जाती है। बिल्कुल ज्वाइन करिए अपनी तैयारी, SSC CHSL हो या फिर CGL की हो, पूरी तैयारी आप कर सकते हैं बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप से।
देखिए हम बात कर रहे थे जो पेमेंट है उसका, है ना, जैसे कि अगर हम बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, ये LDC की जो पोस्ट है जूनियर, ठीक है, ये आप लोगों की जो JSA की पोस्ट है, इसके लिए जो लेवल 2 का रहता है और इसमें आप लोगों का 19,000 से लेकर 63,000 जो है यहाँ पर पेमेंट रहती है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट की, है ना, इसमें आपका जो पे सेल रहता है लेवल 4 का रहता है जो कि 25,000 से लेकर 81,000 रहता है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं DEO की, तो ये आप लोग लेवल 4 रहेगा जो कि 25,000 से 81,000 रहेगा, ठीक है। एंड लेवल 5 RS यहाँ पर 29,000 से लेकर 92,000 तक की आपको पेमेंट यहाँ पर मिलेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की अगर हम बात करते हैं तो 25,000 से 81, है ना, ये आप लोगों का है। अब देखिए वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स कितनी क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वैकेंसी की डिटेल्स नहीं दी गई है। लेकिन अगर जैसे SSC ने बोला है, जो आपका स्टूडेंट कॉर्नर करके एक SSC के ऑफिशियल वेबसाइट में रहता है, इसमें टेंटेटिव वैकेंसी दिखाता है, उसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो है 4,726 वैकेंसी टोटल यहाँ पर रह सकती है ना। ये अप्रॉक्स यानी 100% सही तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है उम्मीद इतनी जताई जा रही कि ये वैकेंसी आप लोगों की रहेगी। बाकी वैकेंसी जो है बाद में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी, टेंटेटिव वैकेंसी है ना, ये कोई यहाँ पर प्रूफ नहीं है, क्योंकि SSC ने बोला है कि टेंटेटिव वैकेंसी के अनुसार आप देख सकते हैं स्टूडेंट कॉर्नर की जो है वेबसाइट पे वहाँ पे जो दिया हुआ रहता है, ठीक है। बाकी की डिटेल्स आप लोगों को आगे के वीडियोस में मिल जाएगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।